क्या था उसका नाम? चिड़ियाघर, बायोलॉजिकल पार्क, वो मेरे ब्लॉक का नाम, भानु प्रताप। बताओ ना, ऐसे पूछेगा क्या बार बार? बताओ ना। नमस्कार जय रघुबर मना। हमारी गाड़ी खड़ी है, कवर करके खड़ी कर रखी हमने बाहर बिना। तो आज इसे ही चलेंगे क्या अपन? तो अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं। ये कानून बना, देखो ये फ्रंट सीट पे बैठते हैं। आगे बैठता हूँ, मम्मी को पीछे बैठाता हूँ। और अब हम जा रहे हैं अबेड़ा, अबेड़ा महल, अबेड़ा महल। और यहाँ से बायोलॉजिकल पार्क, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे पास में ही है, अभी पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, उनको दिखाने जाएंगे। उसके बाद हम घर पे आएंगे। तो गाइस अभी आगे देखते जाना, और अब आगे मैं व्लॉग बनाऊंगा। पार्क है, लेकिन इसका टाइम 5:30 बजे तक का ही है, और हम थोड़े लेट हो गए आने में, 6:30 बज गए। इसलिए यहाँ की विजिट हम कल करेंगे। आज हम बायोलॉजिकल पार्क नहीं, अबेड़ा महल जाते हैं। चलो भानु, आ चुके हैं अबेड़ा महल। तो देखो हम जा रहे हैं, सामने कितनी सारी कार आ रही है, हम जा रहे हैं और वो लोग आ रहे हैं। तो इसका टाइमिंग 7 बजे का है, तो वो बायोलॉजिकल पार्क। ये बड़ा महल के अंदर का व्यू, और वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं है आज यहाँ पे, मुझे लगता है जाने का टाइम हो गया इसलिए। गाइस ये देखो, ये रैबिट, ये देखिए गाइस रैबिट, देखिए रैबिट। आप भी चलो ना। ओ भैया, उधर 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 सर, आप जाओ, ये भी जाएंगे। और ये अबेड़ा महल में बोटिंग, यही इलेक्ट्रिक बोटिंग नहीं है, इसे पेड़ चलाने पड़ते हैं, इसे इस तरह से। हेलो, तो कैसा लग रहा है आपको मालूम होना? चल भी रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक कार है तो चलाएगा ये, देखिए यहाँ से कितना शानदार व्यू नज़र आ रहा है। ये अबेड़ा महल का पार्क है, और ये पार्क के थोड़े से ही पास में यहाँ पर ये तालाब है, और इस तालाब में सफाई तो अच्छी है, लेकिन बस थोड़ी बोटिंग में सांस फूलने की समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि जो है ना ये इलेक्ट्रिक बोट नहीं है, ये पैरों से पैडल वाली बोट है। देखिए यहाँ से क्या शानदार व्यू लगता है। पीछे कैंटीन लगी, वहाँ से बैठे, कैंटीन को चला इसको।
कानू बना के हाथ में स्टीयरिंग है, कानू बना के बोल पाते नहीं, बोल पाते हैं कानू बना मोड़ी है। और यहाँ पर फुल स्विंग करती हुई हमारी बोट, केवल 10 मिनट का टाइम है भैया, 20 रुपये दिन भर ना चलाना जाम है। और ये देखिए ये पुल के नीचे से हमारी नाव, हमारी बोट लैंडिंग करती हुई, बाय बाय पुल, और हम दूसरे छोर पर आ गए। ये पुल गई थी जिसके नीचे से हमने बोट निकाली है हमने, कितना हमने मेहनत का काम किया गाइस। अगर इस तरह से रोज बोट चलाने लग जाए तो हो सकता है हमारी हेल्थ और फिटनेस भी अच्छी हो जाए। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, मजा आ रहा है आपको बोट चलाने में या सांस फूल रहा है? और आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया। और आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया। आपको तो बहुत बढ़िया होगा ही सही, क्योंकि आपके पास तो पेडल ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ चलाए, झूठ बोल रहा है। भाई पसीना गया तेरे बिना बोर्ड चलाए, ये पसीना कहाँ से आया तेरे बिना बोर्ड चलाए बंदे, बंदे के पसीना आ गया। ये देखिए गाइस गर्म है पानी, भाई ले इसको चलाने दो, तू उधर बैठ, तू उधर चल जाना सामने जा, जान कैसे जाऊंगा अब, इधर से निकल मेरी तरफ से ले। अरे रुको, अरे ओए ओए अरे उधर आगे झुके, ये आगे नीचे के गाइस, ये तो ऐसे चला रहे इस बोट को जैसे इनकी ट्रेन छूटने वाली हो, छबड़क 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 छबड़क। वैसे मगरमच्छ तो ना आया ना भाई, मगरमच्छ ना भाई जाम है, मगरमच्छ तो है भाई। ये देखिए कितना शानदार आसमान नजर आ रहा है, रंग बिरंगा ऐसा, और पुल के नीचे से हम वापस हमारे पाड़े में आते हुए, ये हमारा पाड़ा है, ये हमारा पाड़ा है, कानूबना का पाड़ा नहीं, बोट का। मैं आपको अंदर का एक बार दिखाता हूँ सीन, ये देखिए मोर के बतख की बोट है, और इसमें सेफ्टी के लिए यहाँ पे टायर दिए गए हैं, अगर कोई डूबा डबे तो इन टायर को खोल के लटक जाए तो डूबने से तो बच जाएगा। उधर भी दिए गए टायर, देखिए टायर दिए गए, हमारा मोबाइल का हिस्सा। शर्मा रहे क्या है? शर्मा क्यों रहे हो आप? आपके शर्माने की वजह दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा भाई इसको पकड़ के रखो, ये पानी में ना कूद जाए, इसका दिमाग खराब हो रहा है। फाइनली कानू बना ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं, और ये देखिए फाइनली राजी होते हुए बना, बना की खुशी का ठिकाना नहीं है। कैसा लग रहा है आपको बोट चलाते हुए? गाइस सांस सांस कुछ भी नहीं फूल रही, नहीं फूल रही। तो फाइनली वोटिंग पूरी होती हो गई, और कानू के चेहरे पे ही मुस्कान आई है, रूस रहे थे वरना ये कांटे नहीं है। ये सामने कैंटीन, ये पार्क, ये पेड़, एक कानू बना। अब मैं झूला झूलूंगा। अंधेरा ज़्यादा हो गया इसलिए रिकॉर्डिंग थोड़ी ब्राइट नहीं आ रही है, फिलहाल लाइट चालू करके देखते देखते इसकी लाइट अगर बढ़ जाती है तो कुछ तो सुधार हुआ है। और ये सबसे पहले कानू बना चढ़ गए हैं ऊपर। अरे भाई ये स्लिपिंग स्लाइड है धीरे, ओ भैया ये बच्चों वाला आइटम है यार, और अब झूले में भाग के गए। तो कैंटीन से गाइस कानू की डिमांड पे कैंटीन में से कुछ आइटम, क्या खाओगे भैया? सबसे सस्ता वाला लेना, कैंटीन यहाँ पर ट्रॉफी वोफी ले ले, या तो ये ले ले कोल्ड ड्रिंक पीने के लग गया। तो कैंटीन से फिलहाल, कैंटीन बंद होने वाली थी तो हमने ये दो
कोल्ड ड्रिंक लिए। कैसी लगी खाना? एक नंबर। मेरी मैंगो और आपकी अनार कौन सी? लीची। मेरी मैंगो। और ये इनका कुत्ता ऊपर उड़ा दिया। ये देखिए जमीन से कितना ऊपर उठ गए। ये जमीन ये कानू का हैंगिंग बना। तो गाइस ये वही पुल है जिसके नीचे से भी हमने हमारा टाइटैनिक जहाज निकाला था। बोट नहीं थी, वो टाइटैनिक थी भैया। और यहाँ पर कुछ प्री वेडिंग शूटिंग हो रही है। कपल्स की प्री वेडिंग शूटिंग। ये बेड़ा मेल के उस वाले व्यू की पुलिया पुल था जिसके नीचे से हम बोटिंग करते हुए निकले थे। और उस साइड छतरी है, रास्ता उधर है भाई, तो उधर ही चलते हैं। रास्ता भाई सामने से घुस सकते हैं। ये जो महल है ये उसके पुराने महल का कुछ सीन मैं आपको अंदर ले जाके दिखाऊंगा। एक तो ये हॉल, चलो गाइस ये हॉल है। ये है कानू ऊपर की छतरी का और एक कुआ, लेकिन इसको हेरिटेज लुक दिया गया। कुआ ही ना कानू, कुआ है गाइस। ये देखिए कुछ इस तरह से कुआ और ये यहाँ की छतरियाँ, ये यहाँ के तबा बरामदे बना रखे हैं। और ये तालाब है, ये देखिए इसमें तालाब में जो ये पत्ते नज़र आएंगे सब कमल के फूल हैं, कमल के फूल के ऊपर के पत्ते। और जहाँ हम खड़े हुए हैं ये बड़ा महल है, और तालाब के उस साइड करणी माता का मंदिर है। और बताया जाता है कि यहाँ पर पहले के समय में भालू और जंगली जानवर पानी पीने आया करते थे। और थोड़ा सा इधर आगे चलते हैं। और गाइस मतलब ये आपको कमल का फूल भी दिखाएंगे। तो गाइस वो ये देखिए कमल के फूल, लक्ष्मी जी की जब पूजा होती है तो यहाँ पर काफी भीड़ रहती है। अभी उगेगा गाइस कमल का फूल। और गाइस देखिए इस तरह से यहाँ पे भी ये उधर जाने का रास्ता है। चलो हम इस रास्ते पे चलते आते हैं। गाइस प्लीज ऐसा कचरा मत डाला करो, डस्टबिन में डाला करो। चलते हैं हम उस छतरी पे जाएंगे, मुझे सामने छतरी नजर आ रही है। उस पे जा रहे हैं हम मंदिर के साइड। चलो तो गाइस फाइनली हम आ गए इस छतरी के ऊपर। चलो चढ़ के देखते हैं। वाओ ऑसम ऑसम व्यू नजर आ रहा है यहाँ से गाइस। ये देखो, आप सब कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा विजिट अबेड़ा महल की। देखो पूरा कितना शानदार व्यू है यहाँ पर। ये पीछे थर्मल की बाउंड्री, उसके बाद फॉरेस्ट की ज़मीन है इस तालाब के उस साइड, और ये पूरा तालाब यहाँ से नज़र आ रहा है। ये देख रहे हो ये पूरा तालाब है गाइस। और ये वो बेड़ा महल जहाँ से हम आए थे, ये रास्ता हम ऐसे ऐसे कुछ घूमते हुए उस रास्ते से हम घूमते हुए इस पुल पे होते हुए सीधा यहाँ इस छतरी पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलते हैं अब हम ऊपर महल में जाके भी एक आपके लिए वीडियो बनाएंगे। इसका जब हम अंदर आए थे तो 7 बजे का इसका बंद होने का टाइम बताया था, और अभी उसमें कुछ समय बाकी है तो हम एक बार सामने भी चल के आते हैं, वहाँ का तो आपको व्यूज़ दिखाते हैं। गिर मत जाना पे चलो। और यहाँ पर विजिल की आवाज़ आ गई, मुझे लगता है टाइम हमारा ओवर हो गया बाहर निकालने का। तो एक वीडियो हम और शूट करेंगे, थोड़ा दिन में आएंगे। फिलहाल मुझे लगता है टाइम हो गया है, इसलिए बार गार्ड साहब भी अपनी विसिल बजा रहे हैं। तो हम एक अंतिम व्यू समा चलकर चलिए इसके ऊपर चढ़ के एक लास्ट व्यू
उसके बाद हम घर की ओर चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है गार्ड साहब, अगर हम खुद नहीं जाएंगे तो हमें बाहर निकाल देंगे यहाँ से। एकदम मस्त व्यू, पिकनिक स्पॉट। अगर आपको कभी कोटा घूमना हो गाइस तो ये बेड़ा महल है और ये कोटा से ज़्यादा दूर नहीं है, करणी माता का मंदिर है, बेड़ा महल है और साथ में बायोलॉजिकल पार्क है, तीनों जगह आप घूम सकते हैं गाइस। ये बहुत ही औसम जगह है, पिकनिक स्पॉट है। बायोलॉजिकल पार्क 5:30 बजे आ जाना क्योंकि वो बंद हो जाता है फिर। अगर आप कोटा आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, लेकिन थोड़ा समय का ध्यान रखें, शाम को ना आए, दिन में आए ताकि आप इस जगह का पूरा लुत्फ उठा सकें। सो आई होप गाइस ऑलमोस्ट हमने सारे बेड़ा महल की विजिट की है, सिर्फ ये ऊपर की सदियाँ, ऊपर के जो जगह दिख रही है आपको, जो खिड़कियाँ दिख रही है, उसमें हम नहीं जा पाए क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा हो गया और यहाँ पर टाइम 7 बजे के बाद इसका क्लोज का टाइम हो जाता है। तो अभी हम घर चलते हैं, ठीक है। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड सबके साथ मिलकर देखना। बाय।